हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m, वेयर m इज अ कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल टू x रेज टू पावर m, और m यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग y1, ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में अगर वन हो तो ये क्या डिनोट करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज इक्वल टू m, हमारे पास कांस्टेंट है, याद आ जाएगा m x रेज टू पावर m -1। ठीक है, फिर हम लोग क्या निकालेंगे, y2 क्या होगा हमारे पास, m इनटू m -1 x रेज टू पावर m -2। फिर हम निकालेंगे y3, m इनटू m -1 m -2 x रेज टू पावर m -3। ठीक है, अब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, यहां पे अगर हम थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसकी पावर क्या आ रही है, m -3, और ये कहां तक जा रहा है, m -1 m -2 तक। तो अगर हम जनरल निकालना चाहें हमारे पास इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए, y This is equal to m into m minus 1, m minus 2, m minus 3, so on up to m minus n minus 1 तक जाएगा। यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव कर रहे तो कहाँ तक जा रहा था, 2 तक। nth डेरिवेटिव कर रहे तो कहाँ तक जाएगा, n minus 1 तक, into x raised to power m minus n। तो ये हमारे पास क्या हो गया, nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ठीक है, अगर सपोज करो, सपोज m इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, n आ जाता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, y n दिस इज इक्वल टू m इनटू m -1 m -2 m -3 सो ऑन अप टू m -1 इनटू x रेज टू पावर m माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास, ये टर्म हमारे पास क्या बचेगी, 1 बचेगी, m इनटू m -1 m -2 m -3 सो ऑन अप टू 1 इनटू x की पावर 0। किसी की पावर 0 हमारे पास क्या होती है, 1, और ये हमारे पास क्या बन गया, m फैक्टोरियल। तो y n हमारे पास क्या आ जाएगा, m फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव हम लोगों ने फाइंड आउट किया है किस फंक्शन का, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m। नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ax प्लस b रेज टू पावर m का। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ax प्लस b रेज टू पावर m। ठीक है, ये फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव से, यानी कि y 1, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, m ax प्लस b रेज टू पावर m -1। तो पहले हम लोगों ने पावर का किया है, तो पावर हमारे पास आगे आ जाएगी, और पावर इसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनटू a, x के साथ a है ना, तो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, प्लस b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग y2 निकालेंगे, y2 हमारे पास इसका बराबर होगा m इनटू m -1 इनटू ax प्लस b की पावर m -2, और ये कांस्टेंट a था तो ये एज इट इज था। अब इस अदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, ax प्लस b का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा a इनटू a, तो y2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, m इनटू m -1 ax प्लस b की पावर m -2 इनटू a स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, y3, तो y3 हमारे पास इसके बराबर होगा, इसका कांस्टेंट है ये, m इनटू m -1 इनटू ये आगे आ जाएगा m -2, और ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, m -3। ठीक है, तो a स्क्वायर पहले कांस्टेंट था, एजिटिव रहा, और ये जो a है इसका डेरिवेटिव, सॉरी ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, a। तो y3 हमारे पास क्या आ गया, m इनटू m -1 m -2
एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस थ्री इंटू ए क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप लोग एक चीज नोट करो, जो थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास, तो जो पावर है यहां पे क्या हो रही है, ये माइनस और ए की उतनी ही पावर बन रही है हमारे पास, और ये कहां तक जा रहा है, एन माइनस वन तक। मतलब ये थर्ड डेरिवेटिव निकाल रहे तो कहां तक जा रहा है, टू तक। तो जनरल हम लोग निकालेंगे वाई एन, दिस इज इक्वल टू एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू सो ऑन टू एम माइनस एन माइनस वन ए एक्स प्लस बी एम माइनस एन, और ए की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास एन, प्रोवाइडेड एन शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये कहा जाएगा एन हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू एम तक। ठीक है, तो ये हमने एन एफ डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। सपोज करो, सपोज एम इक्वल टू क्या जाता है हमारे पास, एन आ जाता है, तो वाई एन यहां पे आएगा एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू यहां तक, एम और एन क्या है बराबर, तो यहां से एम माइनस वन करोगे तो एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा वन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर जीरो, और यहां पे क्या आ जाएगा ए एन। ठीक है, तो वाई एन दिस इज इक्वल टू एम इंटू ये एम माइनस वन एम माइनस टू टू वन, ये किसी की पावर जीरो हमेशा हमारे पास करती है वन इंटू ए रेज टू पावर एन, तो वाई एन दिस इज इक्वल टू ए एन इंटू एन फैक्टोरियल, और एन और एन इक्वल है तो इसको हम लोग कह सकते हैं वाई एन इक्वल टू ए एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी का पावर एम, उसका क्या है हमारे पास एन एच डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग आगे एक फंक्शन और ले लेते हैं जिसका हमें क्या निकालना है, एन एच डेरिवेटिव वाई इक्वल टू वन बाय ए एक्स प्लस बी प्रोवाइडेड बी सॉरी एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, तो हमें इसका क्या करना है, एन एच डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और फंक्शन क्या हमारे पास वन बाई ए एक्स प्लस बी, और एक्स इसके इक्वल नहीं हो सकता माइनस बी बाई ए के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप एक्स को माइनस बी बाई ए पुट करोगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जीरो, इसका मतलब फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो हम लोग वाई वन निकालते हैं, वाई वन दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ सॉरी पहले फंक्शन को लिखते हैं वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग निकाल रहे हैं वाई वन, y1 इक्वल टू क्या होता है पावर सामने आ जाती है माइनस वन ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर एक कम हो जाएगी यानी माइनस टू इंटू इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये हमारे पास क्या आ गया y1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है y2, y2 फिर से ये माइनस वन इंटू माइनस टू ए एक्स प्लस बी की पावर क्या आ गई हमारे पास माइनस थ्री, तो पावर एक कम हो जाएगी माइनस टू थी, एक और कम करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू ए पहले था और ए को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, वाई थ्री माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस फोर, और ए ए यहां से आ जाएगा और ए स्क्वायर यहां पे तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये आ गया हमारे पास। इसी तरीके से अगर आप लोग निकालो वाई एन, तो देखो वाई एन क्या बनेगा, ठीक है माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू माइनस थ्री, देखो यहाँ पे थ्री था तो ये थ्री तक जा रहा था, अब हमारे पास क्या है एम इंटू माइनस फोर इंटू माइनस फाइव कहाँ तक जाएगा इंटू माइनस एन तक जाएगा, और साथ में ए एक्स प्लस बी की पावर यहाँ पे थ्री था तो यहाँ पे क्या आ रहा था फोर आ रहा था, तो एन है तो क्या आएगा माइनस एन प्लस वन आ जाएगा, और साथ में ए की पावर क्या आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा nth डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग y दिस इज इक्वल टू ये पावर यहां डिनोमिनेटर क्या हो जाएगी प्लस की बन जाएगी, तो ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1, और ये an एज इट इज। अब देखो जो ये इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 5 6 कहां तक जा रहा है एन तक, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये एन फैक्टोरियल।
अब देखो अगर मान लो सपोज करो n मेरे पास क्या है इवन है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये इवन टर्म्स हो जाएंगी, तो इवन टर्म्स को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जब यहां पे n की वैल्यू क्या है ऑड है ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या लिख देते हैं इसको -1 raised to power n। अब देखो n की वैल्यू अगर इवन आएगी तो ये टर्म हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव, तो ये सारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, और n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी नेगेटिव, तो ये सारा आंसर क्या आएगा नेगेटिव ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया n में नेगेटिव।